हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीबी एनिशिएटिव ऑफ एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका काफ़ी टाइम बाद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब भी देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस जो हैं वो नहीं आ रही हैं, तो बट कोई बात नहीं, अब हम वापस आ चुके हैं और कुछ नई चीज़ों के साथ आपके लिए यहाँ वापस हम लेकर आए हैं। तो अभी आप जानते हैं कि आपका सीपीओ का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, आपका 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम लोग आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके सीपीओ के सब्जेक्ट वाइज, हम आपको यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, सॉल्व कराएंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस किस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं आगे एग्ज़ाम में। ये सारी बातें हम इस वीडियोज़ में, इस सेशन में हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये सेशन आपका रोज़ 7 बजे जो है वो चलने वाला है, ठीक है। आपका रीजनिंग है, क्वांट्स है, जीए है, इंग्लिश है, सभी के आपके सेशन होंगे यहाँ पर लाइव और वीडियो लाइव और यूट्यूब वीडियोस के फॉर्म में आपके जो सेशन है वो आता रहेगा। 7 बजे लाइव और वीडियोस, ठीक है, वो यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी चीज़ें आपको टाइमली, ठीक है। तो जितने भी लोग नए हैं यहाँ पर वो इस सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को आप बुला लीजिए ताकि हम साथ मिलकर पढ़ाई यहाँ पर कर सकें, ठीक है। चलिए, तो आई नो स्ट्रेंथ बहुत कम रहेगी, मुझे पता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो सबके पढ़ने का तरीका जो है अलग अलग होता है, हर चीज़ का अपना एक पैटर्न है, एक रूटीन है सब कुछ देखने का, बट हाँ हमारा तरीका कुछ और है काम करने का। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर चलने वाली है, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, टाइम मैं बहुत कम दूंगा आपको यहाँ पर, क्योंकि अगर मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखे अच्छे खासे, आप मेरे को रिप्लाई करोगे, रिवर्ट करोगे, तो टाइम आप मुझसे चाहे पूरी रात ले लो, सुबह तक मैं पढ़ा दूंगा 50 क्वेश्चन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ अगर आप नहीं होगे तो फिर मुझे अपनी स्पीड मैं बढ़ाऊंगा और इसको मैं एक नॉर्मल वीडियो की तरह यहाँ पर मैं कंक्लूड यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है, पूरे क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं आपको यहाँ पर, यहाँ पर हम देखो, और एक बात और है थोड़ी सी ना, अभी हम काफ़ी टाइम से चीज़ें देख रहे हैं कि वेंडर काफ़ी हो रहा है, जैसे कि वेंडर चेंज हुआ है और क्वेश्चन कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए, धरती से आसमान में चीज़ें कन्वर्ट हो जाएं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऐसे नहीं हुआ करते। जो पहला साल होता है हमेशा, ये बात हमने 2016 में भी देखी थी, 15 तक ऑफलाइन मोड था, 16 में ऑनलाइन मोड कन्वर्ट हुआ था, बहुत सारे जो चीज़ें थी वो बदली थी, लेकिन एग्जाम का पैटर्न में उतना चेंज नहीं था, जो आपका सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आए थे। प्लस एक यहां पर आपके लिए खास बात है, क्वेश्चन पेपर जो है उसका लेवल एकदम से गिर जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अपनी चीजें ट्रांसफॉर्म करने में टाइम लगता है। तो कोई भी कमीशन हो, कोई भी संस्था हो, इस बात का वो ध्यान रखती है कि किसी भी बात, किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। 16 के कंपेरेटिवली 15 में कट ऑफ बहुत हाई थी, 16 में एकदम से कट ऑफ डाउन चली गई थी, ये काम फिर से इस बार होने वाला है। वैकेंसी चाहे आपको कैसी ही मिले, बट हाँ कट ऑफ कम जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर आपसे की पेपर में बहुत ही कुछ अलग आपसे पूछ लेंगे, आपके 50 में से 40 क्वेश्चन कम से कम, अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो आपके वही सेम रहने वाले हैं, 5-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, चाहे वेंडर कोई भी रहे आपका, चाहे वो आपका टीसीएस कराए, चाहे आपका वो कोई भी कराए, जो भी 2-3 नए नाम इस बार देखने के लिए मिल रहे हैं, बट लेवल का फर्क उतना मत आप लेकर चलना। जो आपका सिलेबस है, जो हस्ती ने सिलेबस मेंशन किया है आपकी सीपीओ के एग्जाम में, वो आपको कंप्लीट करना है, वो आपको कवर करना है, और एग्जाम से भी यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी जो हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये आपके सामने फिगर है और मेरे पीछे की तरफ आपके सामने यहाँ पर आपको काफी सारे जो है वो क्या बोलते हैं फिगर गिवन है। आपसे बोला गया कि ये फिगर उसमें से किसमें आती है, इसके बाद जरा हम चेक कर लेते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर एक ये बना हुआ है ना, ये क्वाड्रेंट है, एंड देन यहाँ पर एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पर आप देखो, ये क्वाड्रेंट और फिगर को आप रोटेट नहीं कर सकते, पहली बात तो ठीक है, यहाँ पर लिखा है फिगर आप रोटेट नहीं कर पाओगे, यहाँ पर ये पूरा ही नहीं है तो नीचे नहीं आ पाएगा, ये पूरा है ये ऐसे है लेकिन ट्राइंगल नहीं है, ये पूरा है ये ऐसे है ट्राइंगल नहीं है, ये यहाँ पर ये पूरा है ये ऐसे और ये ट्राइंगल है, तो आंसर आपका यहाँ पर 4th आएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आपके कोई भी डाउट हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ लेना। हाँ डी आंसर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अविनाश जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, गुड मॉर्निंग सही। फटाफट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन आंसर करते रहना यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपके सामने ये सीरीज है, आपके सामने वो क्लस्टर है, इसमें से वहां पर ये कौन सा आपके सामने आएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो आपके सामने क्वेश्चन है डी आंसर, ठीक है, आंसर करते रहना सब लोग भाई, ठीक। चलो
तो यहां पर देखो सीरीज है, सिंपल सी बात है, एक एक करके उठाएंगे। यहां पर क्या लिखा है, ई के बाद एफ के बाद जी के बाद आई, तो यहां पर क्या आएगा, एच। पहली बात तो एच है किसी में, इन तीनों में एच है, इसको काट दो यहां से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो सीरीज यहां से वापस चल रही है, एल के बाद जे नहीं है, जे के बाद एल आएगा। यहां से आप देखो एच के बाद आई जे, और जे के बाद के देन एल, तो डी के बाद ई, और ई के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, एफ। तो एच के बाद आएगा एफ, एच के बाद एफ किस में है, पहले में और तीसरे में है, दूसरा काट दो यहां से। थर्ड बचता है बी और जे में, क्या ऑप्शन आएगा, तो उसको देख लो, एस के बाद टी यू का गैप, फिर वी आ गया, वी के बाद डब्ल्यू एक्स का गैप, वाई आ गया, वाई के बाद जेड और डी का गैप, तो मतलब बी आ जाएगा, एच एफ बी, एच एफ बी। तो यहां पर ये थर्ड आपका यहां पर आंसर है। ठीक है जी, इसका आंसर नहीं दिया आपने अशोक कुमार जी, कोई बात नहीं, ठीक, तो थर्ड यहां पर आपका इसका आंसर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर्स क्लस्टर्स आर इन अ सर्टेन वे एंड इज डिफरेंट। ठीक है, इसमें से चार, तीन आपके सेम है, एक आपका अलग है, यहां पर आपको दिया गया है, क्या होगा इसमें, आप जरा एक बार देख लीजिए इसको। अशोक जी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया जी, सभी लोग इसको शेयर कर देना जितना हो सके, मैक्सिमम इसको आप शेयर कर देना भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, डब्ल्यू V T D, ठीक है, यहां पर तीन चीजें हैं, तो T के बाद U, U के बाद V, V के बाद W, ठीक है, G के बाद H, एक का गैप, I के बाद J, P के बाद Q, R का गैप, R के बाद S, N के बाद, ठीक है, ये उल्टा आ रहा है, L M N ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या है, ये फोर इसमें से अलग है, D वाले पार्ट को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप तीन भी अगर मैच कर लोगे वो सब में सेम आना चाहिए, तो ये आप यहां से कैसे चलोगे, एक एक करके चल रहे हो आप, एक का गैप है, एक का गैप है, एक का गैप है, ठीक है, एक का गैप तो है लेकिन वो उल्टा है ना, ऐसे गैप आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, एल एम एन नहीं आना चाहिए, ठीक है, एन के बाद ओ आता, फिर आपका पी आता, ये आपका यहां पर इसका आंसर बैठता, तो फोर्थ इसमें आपका यहां पर आंसर हो गया, क्लियर है। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सेवन पीपल ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ नेचुरली इन द सेम ऑर्डर, ओनली वन पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एफ एंड डी, ओनली थ्री पीपल बिटवीन सी, बहुत सारा लिखा हुआ है, एक ही करके क्वेश्चन करते हैं। सात लोग हैं स्ट्रेट रो में बैठे हैं, सबका फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ कहाँ होता है आपका, ऊपर, ईस्ट ये आपका वेस्ट, ऊपर आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, ठीक है। चलो सात लोग हैं बिठाए मैंने, एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है, इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ नॉट एज इन द सेम ऑर्डर, ओनली वन पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सिर्फ एक आदमी बैठता है, तो ऑब्वियसली बात है डी यहां बैठेगा, डी के लेफ्ट में एक आदमी आ गया, ए जो है डी का इमीडिएट नेबर है, तो डी के दो नेबर है, जरा इसको बना लो, ठीक है, डी के दो नेबर है, दो तीन चार पांच छ सात, ये आपका डी है, एक मैंने ए यहां लिया, एक मैंने ए यहां लिया, सिंपल। चलो जी आगे चलते हैं, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ बीच में से दो लोग बैठते हैं, तो एक दो एफ, एक दो ये आपका एफ हो गया, ठीक है, ये हो गया भाई। आगे अगर बात करें, फिर ये आपसे बोला गया है तीन पीपल बैठेंगे सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में तीन लोग बैठ रहे हैं यहां पर, तो भाई अगर मैंने सी को अगर यहां बिठाया है सपोज करो, ठीक है, सी को मैंने यहां बिठाया और जी को मैंने यहां बैठा अभी के लिए बस, ठीक है, तो तीन लोग बैठ रहे हैं, एक दो तीन, इसमें कहीं पर, इसमें सी है मेरा यहां बैठ जाएगा, ठीक है, एक दो तीन, एफ यहां नहीं बैठ पाएगा और ये यहां बैठेगा तो यहां नहीं बैठ पाएगा, तो सी और जी मतलब इसी वाले में आएंगे, तो ऊपर वाली जो मेरी इक्वेशन बिल्कुल बिल्कुल मेरी ठीक चल रही है, बी जो है जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, बी जो है जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो बी मेरा बैठेगा यहां पर, और दो लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, ओके सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पर गलती होगी मुझसे, ठीक है, अगर ये मेरा ए है, ठीक है, तो दो पीपल बैठेंगे ए और इसके बीच में, ठीक है, ई के बीच में, तो ये ए हो गया, ये मेरा ई हो गया, अब मेरा ठीक है, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, और ठीक, तो बस ठीक है, यहां पर मेरा जी आ गया, यहां मेरा सी आ गया, बी के बराबर में जी नहीं आएगा, तो बी ऑब्वियसली बात है, ठीक है, मैंने मुझे ही रखना है, क्योंकि इनकी पोजीशन तो जी और सी की चेंज नहीं हो सकती, मतलब जी सी यहीं पर रहेंगे, बस
बस ये बन गया आपका। अब पूछा है एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है, आपका सी बैठा है एक्सट्रीम राइट में, ठीक है हो गया, चलो डन। चलो जी आगे चले, क्लियर है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं आगे भाई। ठीक है जी, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गेम इज कोडेड एज 8426 एंड मस्टर्ड कोडेड एज 7853। एम का आपसे कोड पूछा गया है, ठीक है, तो गेम का आपका कोड क्या है यहां पर देखो आप, गिवन है आपको 8426 है ना, ये बोला है, और मस्ट का आपको कोड दिया है भाई 7853। अब दोनों में से पूछा कि एम का कोड क्या है, अब दोनों में एम कॉमन यहीं पर है बस खाली, और कोई भी लेटर यहां पर कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो ये रहा 8 और ये रहा 8, बाकी तो यहां पर कुछ भी कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है, तो 8 यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 कहां है, ये रहा 8 इसका आंसर है, क्लियर भाई। ठीक है चलो आगे चले। ठीक है नेक्स्ट, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल लीव्स आर फ्लावर्स, या फ्लावर्स आर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज कैसे बनाते हैं, मतलब सारे के सारे फूल जो हैं वो आपके पेड़ हैं, तो सारे के सारे फूल जो हैं वो आपके क्या बन जाएंगे, वो आपके पेड़ बन जाएंगे, दैट इज ट्री। और ऑल लीव्स आर फ्लावर, सारी की सारी लीव जो हैं वो आपकी फ्लावर के अंदर आ जाएंगी, ये आपका बन गया। अब पूछा है ऑल ट्रीज आर फ्लावर, के सारे के सारे ट्री जो है फ्लावर हैं, बिल्कुल नहीं है भाई, सारे फ्लावर ट्री हैं, सारे ट्री फ्लावर नहीं है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ऑल लीव्स आर ट्री, सारी की सारी लीव जो ट्री है, ये रहा आपका लीव्स, ये इसके फ्लावर के अंदर है, फ्लावर आपका ट्री के अंदर है, तो लीव्स आपका ट्री के अंदर भी आएगा, तो ये भी आपका ठीक है, मतलब ओनली सेकंड फॉलोस, ठीक है इसमें आएगा। नॉट क्लियर, कौन सा क्लियर नहीं हुआ अशोक जी, कौन सा क्लियर नहीं हुआ? बता देना आप मेरे को, अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लिख देना एक बार, ठीक है मैं यहां पर कर रहा हूं, मैं करा दूंगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूब का, थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट फेस शोइंग वन। आपसे आपको यहां पर तीन डाइस गिवन है, ये सारे सारे क्वेश्चन आपके 23rd का आंसर थ्री आंसर है, क्वेश्चन नंबर थ्री। एक सेकंड आप ये कर ले, चलो ठीक है रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर थ्री ये वाला बोल रहे हो क्या आप? थ्री वाले में क्या है भाई, ये आपके चार जो आपको ऑप्शन गिवन है, चार में से तीन आपके एक जैसे हैं, एक आपका अलग होगा, ठीक है पहली बात तो ये होगी। अब यहां पर आप देखोगे तो कॉमन चीज देखोगे, कॉमन क्या है हर लेटर में, ठीक है अगर मैं देखता हूं यहां पर W, ठीक है V और दोनों इसके मतलब इसके साथ हैं, W के बाद V के बाद W, ठीक है, और V के बाद जो एक गैप, अगर आप इसको ऐसे आप चलोगे, देखो T आया, T के बाद U का गैप है, फिर V है, फिर W है, ऐसे ही आप G पे चलोगे, H का गैप है, I है, फिर J है, ऐसे ही आप P पे चलोगे, Q का गैप है, R है, फिर S है, तो सेम फॉलो सेम चीज इन लास्ट वाले में ही फॉलो फॉलो होनी चाहिए। अरे यार फोर्थ बता रहे हो, ओहो भाई मेरे ऐसे मत करो यार। इस वाले में तो सिंपल था ना, ये तो बच्चा इसको बोलते हैं कोडिंग नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, यहां पर इन्होंने देखो दो लोग बिठाए थे, इन्होंने यहां पर हमारे पास सात लोग बिठाए थे, ठीक है सात लोग बिठाने यहां पर। अब देखो मैं बिठाता हूं दोबारा से, सात लोग, एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है सात लोग बिठाए हैं यहां पर। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, ओनली वन पर्सन सिट्स लेफ्ट ऑफ डी, सबका फेस ऊपर है मतलब नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब डी के लेफ्ट में सिर्फ एक इंसान बैठेगा, तो डी अगर यहां बैठेगा तो एक ही जगह बची, तो डी यहां बैठ गया। दूसरे पॉइंट ने बोला है ए जो है वो इमीडिएट नेबर है डी का, अब ए जो इमीडिएट नेबर है डी का, या तो ए मेरा यहां होगा या फिर ए मेरा यहां होगा, है ना। उसने मुझे क्लियर नहीं किया कि लेफ्ट लेफ्ट नेबर है या फिर राइट नेबर है। अब मैं इसमें क्या करूंगा यहां पर, अब मैं इस डी को, ठीक है तो एक केस में मैंने ए को यहां बैठा दिया, और एक केस में मैंने ये डी है,
तो ए मैंने यहां बैठा दिया, कोई दिक्कत, ये दो केस हमारे बन गए। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, तीनों चार सात। अब इन्होंने बोला है दो लोग बैठते हैं एफ और डी के बीच में, ये आपका डी है, एक दो एफ यहां बैठ जाएगा, ये डी है, एफ मेरा यहां बैठ जाएगा। यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है? हाय हाय गणेश जी, हाय। ठीक है, अब इन्होंने बोला है सी और जी के बीच में तीन तीन लोगों का गैप है। ठीक है, सी और जी के बीच में तीन लोगों का गैप है, तो या तो भाई सी यहां बैठेगा इस वाले केस में, या फिर ये यहां बैठेगा इस वाले केस में। ठीक है, जी और सी में इन वाले यहां, ठीक है, यहां बैठेगा, एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है, हो गया। अब इसका उन्होंने क्या बोला है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए। अब ए और ई के बीच में सिर्फ दो लोग बैठेंगे, अगर इसमें ए मेरा यहां पर है तो ई मेरा यहां जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने बोला है कि बी जो है वो जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहां पर मेरी एक ही जगह बचती है, एक ही जगह बची, तो बी तो मैं यही बिठाऊंगा, लेकिन अगर बी यहां बैठ गया तो जी यहां पर नहीं आ पाएगा, यहां पर सिर्फ आपका सी ही आएगा, तो जी मेरा यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात आपके बैठ गए, इनके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने पूछा है हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, तो वो आपका सी है, ये आपका क्वेश्चन था। अभी क्लियर है? अभी क्लियर होगा? चलो जी, थैंक यू। ठीक है, फोर्थ हम कर चुके हैं, फिफ्थ हम कर चुके हैं, सिक्स्थ हम कर चुके हैं, सेवेंथ की बात कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे आते हैं। ठीक है, क्यूब एंड नहीं, थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, बस बने रहना यहाँ पर, क्वेश्चन को सारा को देखते रहना और जवाब देते रहना, थैंक यू तो चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू का तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक के ऑपोजिट में क्या नंबर आएगा। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो भाई एक के ऑपोजिट में नंबर आने के, देखो तीनों में एक 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 कॉमन है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर कोई ऐसे दो नंबर उठाने पड़ेंगे जिसमें एक से ज्यादा और कोई कॉमन ना हो। ठीक है, मुझे ऐसा कोई नंबर यहाँ पर देखना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक कॉमन है, छह कॉमन है, पांच कॉमन है, पांच नंबर है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर दो है, इसके साथ मैं ये नहीं ले पाऊंगा क्योंकि छह मेरे यहाँ भी है, छह मेरे यहाँ भी है, और इसके साथ मैं ये नहीं ले पाऊंगा क्योंकि एक और दो मेरे यहाँ है, तो मैं डाइस नंबर वन और डाइस नंबर थ्री में उठाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब यहां से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखने के लिए, समझने के लिए, जो आपका कॉमन नंबर होता है उसको आप यहां लिखते हो। ठीक है, डाइस वन का वन ये लिखा, डाइस टू का वन ये लिखा, यहां से आप राइट साइड में क्लॉकवाइज चलोगे, एक के बाद पांच, एक के बाद पांच, पांच के बाद छह, पांच के बाद छह। ठीक है, यहां से आप चलोगे एक के बाद दो और दो के बाद चार। अब इसका मतलब क्या है, पांच के ऑपोजिट में दो है, छह के ऑपोजिट में चार है, बचा आपका एक नंबर, तो मतलब एक के ऑपोजिट में क्या है, तीन है। क्लियर? ठीक है जी, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। ठीक, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट द एमएन एस शोन बिफोर। ये आपका जो मिरर है भाई, ठीक है, ये आपका मिरर है, यहाँ पर देख लो। अब आपसे बोला गया है इसके राइट साइड में इसकी इमेज जो है कैसी बनेगी, ये आपको निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको उसको बस देखना है। देखो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर, इनको जो आपकी राइट अप्रोच है, जो इजी अप्रोच है, वो आपको देखनी होती है, प्लस आपको क्वेश्चन ये बहुत स्पीड से करने होते हैं, जो एग्जाम में सारा खेल जो है वो स्पीड का पड़ता है। ठीक है, चलो जी, अब अगर हम यहाँ पर आए, ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको अगर मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा पूरा जो हिस्सा है वो इस तरफ घूम के आ जाएगा। ठीक, तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा टू है, ठीक है, तो टू मेरा ऑपोजिट हो गया। ठीक है, टू के बाद राइट में, ठीक है, जो मेरा राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट में हो मैं वो मेरा राइट में हो जाएगा। ठीक है, तो टू के बाद फिर मैं चलूंगा यहां पर, ठीक है, ये वी ऐसे था और यहां पर भी ये जो वी है ये आपका ऐसे ही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऊपर वाली चीजें कभी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरा फिर है पी है। ठीक है, अब ये पी यहां भी ऐसे ही है भाई, है ना, बट ये अगर इस तरफ आएगा तो पी मेरा जो है वो ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो पहला मेरा गलत हो गया। अब ये टू सेम, ये सेम, बट ये पी मुड़ गया, तो बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर मैं इस पे आता हूँ, बट आप इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहो, ये आपकी स्विंग देखो एक बार ना, ये सेम है, ये सेम नहीं हो सकती, ये भी गलत। ठीक है, थर्ड वाले में आपकी सुई मुड़ गई है, बड़ी अच्छी बात है,
ये आपका टू है, ये आपका ये है, ठीक है, ये आपका पी भी मुड़ गया, ठीक है, ये आपका ब्लैंक साइड इस तरफ है तो ब्लैंक साइड इस तरफ आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका छह जो था ये भी आपका मुड़ गया, ठीक है, आपका सात था ये भी आपका मुड़ गया, ये डी इस तरफ था ये भी आपका मुड़ गया, और ये एस था जो आपका, ये भी आपका जो है वो मुड़ चुका है। और एक और चीज, ये भी छह कॉमन, ये भी छह कॉमन, तो ये फोर्थ यहाँ पे गलत है, तो थर्ड आपका इसमें यहाँ पर सही आंसर होगा, थ्री। बहुत बढ़िया जी, ठीक है, थर्ड हो गया आपको। चलो नेक्स्ट, इफ प्लस मीन्स माइनस, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू, इनटू मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना, जो साइन आपको गिवन है वही आपको यहां पर उसको आपको इंटरचेंज कर देना है, उन्हीं को आपको यहां पर चेंज कर देना है, ठीक है जी। प्लस का मतलब माइनस है, ठीक है, माइनस का मतलब प्लस है, इनटू का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब प्लस है, तो 137, ये 56, ये आपका 7, डिवाइड का है ये, ठीक है, ये आपका 6 है, ये आपका 31 है, ये कितना जाएगा, 7 8 56, ठीक है। और ये मैंने ठीक किया ना, प्लस को मैंने क्या कर दिया, प्लस को मैंने माइनस कर दिया, माइनस को मैंने इनटू कर देना है, ठीक है, सॉरी, माइनस को मैंने भाई इनटू कर देना है, ठीक है, ये नहीं कर पाया मैं, तो ये 7 8 56 यहां से आ गया, इनटू 6 करूंगा 48, माइनस 31 और 137 प्लस, ये कितना जाएगा यहाँ से, 17, 137 और 17, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 100, कितना, 154, ठीक है, 154, क्लियर है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाकी लोग देख रहे हैं बस, कमेंट नहीं कर रहे, अगर कमेंट करोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, आप भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर जो भी आपकी थिंकिंग है इस चीज को लेकर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपियर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, आपसे यहाँ पर इंग्लिश डिक्शनरी का पूछा गया है, तो आपको एक एक करके आपको जो वर्ड जो देखने हैं, जो भी आपका वर्ड पहले आएगा उसको आप प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रख दोगे, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा, 4 पे क्या आएगा, 5 पे क्या आएगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो एल ओ एल ओ एल ओ सब में कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड वर्ड से स्टार्ट करते हैं, एल है, आई है, एन है, जी है, सबसे पहले क्या आएगा, जी, दैट इज 4, ठीक है, जी खत्म हो गया, ठीक है, जी के बाद फिर आएगा एच आई, मतलब दैट इज 2, 4 के बाद आएगा 2, और 4 के बाद 2 आपका सिर्फ एक में ही है जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर, ये विजिबल नहीं है बट कोई बात नहीं, ठीक है, ये 4 से आपका 2 में, नेक्स्ट टाइम हम येलो पेन यूज नहीं करेंगे, चलो ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, ए बी ई जी एफ एफ एच आई, सॉरी, और के जे के और पी एन एन एम, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद, ठीक है, आप देख लो उसको यहाँ पर, तो इन क्वेश्चनों को की अप्रोच आपकी क्या रहती है, इन क्वेश्चन को करने के लिए, सॉरी येलो पेन फिर से आ गया, अप्रोच क्या रहेगी, आप पहले लेटर को उठाओ, उसको देखो कि नेक्स्ट जो आपका जो वर्ड जो आपको गिवन है उसमें आप उसमें कितना गैप आ रहा है, उससे आपका क्या डिफरेंस जो है वो बन के निकल के आ रहा है, ठीक है, तो देखो भाई, ये आपका ए है, ये आपका एफ है, ये आपका के है, ये आपका पी है, ए आता है मेरा 1 पर, एफ आता है मेरा 6 पर, के आता है मेरा 10, मेरा 11 पर, ठीक है, और पी आता है मेरा 16 पर, कितना डिफरेंस है, 5 5 का, ठीक है, उसके बाद बी आता है मेरा 2 पर, एफ आता है फिर से मेरा 6 पर, ये आता है 10 पर, तो कितना गैप है, 4 का, तो कितना गैप है, 4 का, तो 5 5 का गैप, मतलब 16 और 5 21, ठीक है, और ये एन मेरा आता है 15 पे, 15 और 4 19, 21 पे आता है मेरा U और N आता है मेरा सॉरी 15 और 4 19, है ना, ठीक है, यहां पर आई थिंक कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, काम रुको जरा, ये 2 है, ये 6 है, ये आपका 10 है, और हाँ ठीक है, ये आपका 14 है, तो 18, ठीक है, तो R U के बाद आपका R, U के बाद आपका R, इसमें भी है और इसमें भी है, थर्ड पे आते हैं, E है मेरा 5 पे, H है मेरा 8 पे, K है मेरा 11 पे, N है मेरा 14 पे, 3, तो 17, अब 17 मेरा किस पे आता है भाई, 17 मेरा आता है
सॉरी क्यू पर, तो यू आर ओ क्यू, यू आर ओ क्यू आपका इसमें यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, इसमें आपसे जो है वो इसका वेन डायग्राम पूछा है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो भाई देखो, रेफ्रिजरेटर जो है और फ्रीजर जो है वो दोनों के दोनों हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। ठीक है, तो एक सर्कल के अंदर देखो कहां पर बाकी चीजें आ रही हैं, वो तो आनी आनी है, तो इसमें नहीं आ रही है ना, क्योंकि वो उसका पार्ट है। ठीक है, यहां पे नहीं आ रही, यहां पे आ रही है, यहां पे आ रही है। ठीक, अब रेफ्रिजरेटर जो है और फ्रीजर जो है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये देखो आप, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया, और फिर आपके दोनों क्या हो जाएंगे इसमें, रेफ्रिजरेटर और आपका फ्रीजर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, इसमें से कौन सा आपको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा गिवन सीरीज में, ए बी ई जी एफ एफ एच आई के जे के पी एन एन एम। ये आपसे आई थिंक क्वेश्चन हो चुका है ना, अच्छा वापस आ गए, सॉरी ये क्वेश्चन वापस आ गए ना, 13। ठीक है, ठीक है, यहां आपसे पूछा गया है आपको एक ये दो, आपको यहां पर ये सीरीज गिवन दी गई, सीरीज आपको दी गई है, थर्ड आपको सीरीज यहां पे आपको ये बतानी है। ठीक है, ये आपका एनालॉजी वाला एक पार्ट होता है। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स आर इन द गिवन द फॉलोइंग सेट। ठीक है, तो क्या है देखो यहां पर, 35 7 35 42 4 20 24, सिंपल सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड करो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करो आपका ये आएगा, इनको ऐड करोगे ये नहीं आएगा, इनको ऐड करोगे ये नहीं आएगा, इनको ऐड करोगे ये आपका आ जाएगा, और इनको ऐड करोगे ये आपका नहीं आएगा। तो थर्ड आपका यहाँ पर इसमें आंसर है, दो डिजिट को आपको ऐड करना है, थर्ड डिजिट आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक, चलो नेक्स्ट, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जेड एंड मूव 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। एक आदमी ने, ये आपका जेड पॉइंट है, यहां चलना स्टार्ट किया, वो 7 किलोमीटर साउथ की ओर चला। ठीक है, अब यहां पर बात क्या है कि जो डायरेक्शंस है, जो भी अगर आप लोग नए देखे तो डायरेक्शंस को क्या हम कैसे देखते हैं, हम समझते हैं, आपके हमेशा, आप हमेशा क्वेश्चन जब करते हो तो ये आपकी शीट है ना, आप इस समय जो आपका राइट साइड है वो आपका ईस्ट होता है, ईस्ट के ऑपोजिट में हमेशा वेस्ट होता है, आपके ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा आपके सामने, और आपके नीचे या फिर पीछे आपका हमेशा क्या होगा, साउथ होगा। ऐसे करके आपको हमेशा डायरेक्शन जो है वो देखनी पड़ती है, ऐसे आप क्वेश्चन को हमेशा हमेशा अप्रोच करेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पे आते हैं, तो अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जेड एंड मूव 7 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ। जेड से उसने स्टार्ट किया और 7 किलोमीटर जो है वो भाई साउथ, मतलब नीचे की तरफ उसने आना स्टार्ट किया। ठीक है, उसने राइट लिया, अब वो ऐसे है तो राइट उसका इस तरफ बैठेगा, ऐसे है तो राइट उसका इस तरफ बैठेगा, राइट लिया 5 किलोमीटर पे, राइट लिया 5 किलोमीटर पे, दोबारा से राइट लिया चला 3 किलोमीटर, दोबारा से राइट लिया चला 1 किलोमीटर, और लेफ्ट लिया, अब यहां पहुंचने के बाद उसका फेस तरफ है, राइट ऐसे लेफ्ट ऐसे ऊपर की तरफ, फिर चला वो भाई 4 किलोमीटर। ठीक है, ये यह यहां पहुंच गया ए पॉइंट पर। अब आपसे यहां पूछा गया है ना, टू पॉइंट सॉरी एक्स एक्स पॉइंट पर ये पहुंच गया, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन ही नीड टू मूव टू रीच पॉइंट जेड। अब इसको यहां से जेड पर जाना है तो कितना चलेगा, पहली बात तो यहां पहुंचने के बाद वो अपने राइट चलेगा, राइट मतलब ईस्ट चलेगा। ठीक है, अब ईस्ट कितना चलेगा भाई, आप देखो 7 तो यहां चल लिया, 5 वो यहां चला, 1 वो यहां चला, और फिर 3 यहां चला और 1 यहां चला, तो इस पूरी 5 में से 1 उसने यहां पे कम कर दिया, यही तो उसका 4 बचा, तो 4 किलोमीटर वो कहां चलेगा, ईस्ट की तरफ चलेगा। कहां पर है, सेकंड, 4 किलोमीटर वो ईस्ट, हाँ वेस्ट नहीं, ईस्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, आपसे पूछा गया है कौन सी सीरीज यहां पर ही आएगी। देखो अब इस जो आपको इस ये फिगर गिवन है, इसको जरा थोड़ा समझने की कोशिश करो आप। पहले में आप देखो, सबसे पहले जो एक गोले जो बने हैं, जो ये सर्कल जो बने हैं, इन पर थोड़ी सी डालते हैं नजर, एक ये ऐसे है, एक ये आपका ऐसे है,
फिर ये ना इन्होंने फिर किस तरफ ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये एक सर्कल यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, फिर लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, है ना। अब मैं इसको राइट शिफ्ट करूंगा तो एक सर्कल यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर ये डार्क है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डार्क है, तो यहाँ पर ये डार्क नहीं होगा। अब पहले देखो दो सर्कल नीचे कहाँ पर है, एक तो इसमें, एक तो इसमें है, ये काट दो, ये काट दो। अब डार्क यहाँ पर नहीं आएगा, डार्क इसमें है तो ये भी कट गया, तो पहला आपका से यहाँ पर आपस में आपका आंसर जाएगा, ठीक है जी, ये आपका ऐसे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, फिर से आ गया आ गया आपका डाइस का क्वेश्चन। यहां पर आप पूछा है कि वन के ऑपोजिट में क्या होगा, अब आप मुझे बताओ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये आपका डाइस है, दो डाइस गिवन है, पांच कॉमन, पांच कॉमन, चार कॉमन, चार कॉमन, बचा आपका क्या, ये आपका एक बचा, ठीक है, तो एक के सामने आपका क्या आएगा, सिक्स आएगा, खत्म, ठीक है। डाइस में क्या होता है, अगर आपके पास एक कॉमन है, मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास एक, जो अगर वो कॉमन है आपके पास नंबर, तो वहां से आप राइट राइट चलते रहोगे तो आप पहुंच जाओगे, और दो कॉमन है तो थर्ड जो बचेगा वो आपको ऑटोमेटिकली उस वाले का ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है, चलो ठीक है जी, आगे चले, बहुत बढ़िया। ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल्स, सम प्लांट्स आर पॉइजनस। सारे के सारे प्लांट जो हैं वो वेजिटेबल होते हैं, और कुछ प्लांट जो हैं वो आपके पॉइजनस हैं, ठीक है जी, ऐसे बनेगा ये। ऑल वेजिटेबल्स आर पॉइजनस, बिल्कुल नहीं भाई, सारे वेजिटेबल पॉइजनस नहीं है, सम है, ठीक है, सिर्फ कुछ है, तो गलत है। सम वेजिटेबल्स आर प्लांट्स, वेजिटेबल्स प्लांट्स बिल्कुल, क्योंकि प्लांट जो है वो पार्ट है वेजिटेबल का, तो सम वेजिटेबल जो है वो प्लांट्स भी होंगी यहाँ पर, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा, तो ओनली सेकंड फॉलोज, फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है जी, फोर्थ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला आएगा भाई। पहला तो गलत हो गया ना, पोनी फैक्ट्स, क्या नाम है, पोनी फन फैक्ट्स, फोर्थ है आपका आंसर, पोनी फन फैक्ट जी, तो कोई फन फैक्ट तो बताओ फिर, पोनी फन फैक्ट, नाम तो इतना बढ़िया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसका, डिक्शनरी का, करते हैं इसको। डिजायर, डेस्टिनेशन, डेसेंट, डिस्ट्रक्टिव, डेसोलेट, डेस्परेट, स्टार्टिंग के तीन वर्ड से मुझे कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे जो है सेम है। अब आते हैं सी, तो यह आ जाएगा पहले पे, ठीक है, फिर आते हैं मेरा सी के बाद मेरा क्या बैठेगा, कुछ बैठेगा आई, है ना, आई, तो दैट इज ये वन है, तो सबसे पहले थ्री आएगा, उसका फिर वन आएगा, ठीक है, उसके बाद आई के बाद मेरा क्या आता है, फिर आएगा मेरा ओ, नहीं, हाँ, एल एम एन ओ, फिर आएगा मेरा फाइव, तीन एक पांच, तीन एक पांच, तो थर्ड आप मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा, क्लियर, ये भी अच्छा नाम है जी, पोनी पन फन फैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट करो भाई, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज, ठीक है, ये आपकी फिगर सीरीज है, ये आपका पेंटागन है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, सॉरी हेक्सागन है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक, तो यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो नेक्स्ट में ऑब्वियस सी बात है यहाँ कहीं पर आएगा, और वो आपका सिर्फ इसी में आ रहा है। अब उसमें भी क्या है, एक बार ये आपका हमेशा, ये आपका किस पे है, आपके कॉर्नर पे है और सेंटर से निकल के जा रहा है, तो ये आपका ये वाला पार्ट बैठेगा, ठीक है, चलो जी नेक्स्ट।
ठीक है, फिर से आ गया आपका एक डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, काफी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो है वो डाइस के यहाँ पर पूछे गए हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप देखो। अब यहाँ पर क्या है, 1, 5, 2, आपसे 4 पूछा है। ठीक है, आपसे 4 पूछा है, तो सीधा हम 4 पे ही आते हैं, है ना, खत्म बात। ये हमारा कॉमन है 4, ये हमारा 4 कॉमन है। मैंने क्या बोला था आपको, क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 से 3 जाना है। 4 से आप 3 गए, 3 से आप 6 गए, 3 से आप 6 गए, 4 से आप 1 गए, 1 से आप 5 गए, 4 से आप 1 गए, 1 से आप 5 गए। तो 3, 1, 6, 5 आपको यहां मिल गया, बचा आपका 2। तो 4 के ऊपर तो आपका आंसर क्या होगा, वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं। ठीक है जी, चलो वही सेम क्वेश्चन आपको यहां पर मिल गया है। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ब्रेकिंग डाउन 13 into 1 and 3 एंड देन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑप्शंस ऑन 1 and 3 इज नॉट अलाउड। ठीक है जी, ये आपके सामने ये दो रिलेशन आपको यहाँ पर गिवन है, 264, 462। तो देखते हो यहाँ पर इन्होंने नंबर को एक्सचेंज किया हुआ है। सेकेंड में आते हैं 132, 330, बट ये नंबर सेम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ नंबर्स को मैं ऐड करने की, कोशिश करो नंबर्स को बार ऐड करने की। इनका एडिशन सेम आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये डिजिट तुम्हारी सेम है। 3, 2, 5 और 1, 6, 3 और 3, 6, बिल्कुल। तो मतलब दोनों की डिजिट, दोनों की जो सम है डिजिट्स का, वो मेरा सेम आ रहा है। करते हैं अब 4, 7, 17, 18, 17, 17, 12 और 19। तो थर्ड में जो है वो मेरे डेट्स, जो मेरी मेरी जो डिजिट्स हैं उनका सम सेम आ रहा है। तो ये आपका ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पे, चलो जी अगला क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, ये आ गया। इफ ए डिनोट्स प्लस, बी डिनोट्स इनटू, सी डिनोट्स माइनस एंड डी डिनोट्स डिवाइड, देन व्हाट विल बिकम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा गया, तो कुछ नहीं करना, जहां पर आपके जो डेट्स गिवन है उनकी जगह आपको जो ये इन्होंने जो बोला है सिंबल, वो आपको यहां पर लगा देने हैं। ठीक, ए की जगह आएगा प्लस, ए की जगह प्लस नहीं है, बी की जगह इनटू है क्वेश्चन मार्क, डी की जगह डिवाइड है 2, 4, बी की जगह इनटू है 32/8। ठीक है जी, 8 चौक 32, 4 into 4 ये आ गया मेरा 16, और 2 into x/2 ये मेरा कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो क्वेश्चन मार्क एक्स था, एक्स आपका यहां पर 16 आ गया। ठीक है जी, क्लियर। इफ प्लस मीन्स इनटू, इनटू मीन्स माइनस, माइनस मीन्स डिवाइड। ठीक है जी, वही चीज है कि जो साइंस है उनको आपको इंटरचेंज करना है, फटाफट से कर दो। प्लस की जगह क्या है, यहां पर प्लस की जगह है इनटू, इनटू की जगह है माइनस, माइनस की जगह है डिवाइड, और डिवाइड की जगह है प्लस। 250, 10, 10, 5, 2, ये कितना जाएगा 25, फिर मल्टीप्लाई होगी इसकी 10 में 250। ठीक है, और माइनस ये क्या है 3, तो कितना आएगा 247। ठीक है कोई यहीं पे, बिल्कुल है 247, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, क्लियर। चलो जी, ठीक है, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फोर लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच देयर आर अलाइक। ठीक है, लाइव चल रही है सारी चीजें, एक बार उनको आप देख लीजिए। ठीक है, शेयर कर दो भी सब लोग जितना हो सके इसको। ठीक है, चलो ओके। ठीक है जी,
फोर लेटर क्लस्टर है, ठीक है। आपको यहाँ पर पेन देखिए आप, अब इसमें उन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखो आर एस जे के एल ए बी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई पी क्यू आर एस, यहाँ ए का गैप है, यहाँ दो का आ गया, पी क्यू आर एक का गैप, एफ जी एच एक का गैप। तो बस देखो सेकंड वाले में दो का गैप है, ये एक का आना चाहिए था, बाकी सारा आपका ठीक है, ठीक है। बाकी सारा आपका यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल ठीक है, क्लियर। चलो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैट इज कोडेड एज 65, स्टॉक इज कोडेड एज 79, हाउ विल जनरस बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। आपसे बोला गया है बैट को बोला गया है 65, स्टॉक को बोला 79, तो बाकी कैसे बोलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सारे क्वेश्चन बार बार सिंपल क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बात सारी यहाँ पर प्रैक्टिस की इन चीजों की, तो प्रैक्टिस हमें करनी है इन चीजों की, है ना, अच्छे से। वैट, अब वैट को लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। वैट को इन्होंने क्या बोला है हमसे, वैट को उन्होंने बोला है 65, ठीक है जी। वैट को बोला है 65, वी आता है मेरा 22 पर, ए आता है मेरा 1 पर, और टीटी आते हैं मेरे 20 20, दैट इज 40। तो ये कितना हो जाएगा, 40 41 और 22 63, बट यहाँ है 65, सबको विजिबल है, यहाँ है 65। 65 में भी यहाँ पर लॉजिक क्या है वो मैं आपको जब स्टॉक का करूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। स्टॉक को करते हैं एक बार, एस टी ओ एल के, ये आता है 19 पे, ये आता है 20 पे, वो आता है मेरा 15 पे, ये आता है मेरा 12 पर, क्या आता है मेरा 11 पर। 19 और 20 कितने हो जाएंगे मेरे, 39, 27 और 11 मेरे हो जाएंगे 38, ये आता है मेरा 77, बट बोला क्या है 79। वहां पर भी दो का गैप है, यहां पर भी दो का गैप है, क्लियर। अब दो का गैप यहां पर जो है वो ठीक है, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट हम करते हैं जनरस का, ठीक। ये है मेरा 7, ये है मेरा 5, ये है मेरा मेरा 14, ये है मेरा 5, ये है मेरा 18, ये है मेरा, इतना करते हैं पहले, ओ यूएस बच गया, इसको भी छोड़ते हैं। 12 14 कितने हो गए मेरे, 26 प्लस 23, ठीक है, ओ यू एस, ठीक है। ये है मेरा ओ मेरा 15 पर, ये है मेरा 21 पर, और ये है मेरा 19 पर, ठीक है। 15 और 11 36, 36 और 19 कितने हो जाएंगे, ठीक है मेरे 55, ठीक है 55। और ये कितना आएगा मेरा, 6 3 9 2 2 4, 9 और 5 14, 5 और 9 और 1 10। तो 104, 63, 77, हर एक में यहाँ पर भी दो का डिफरेंस है, यहाँ भी दो का डिफरेंस है, तो यहाँ भी क्या आएगा, दो का डिफरेंस, दैट इज 106 यहाँ पर इसका आंसर जाएगा। क्लियर है भाई सबको, ठीक है। ठीक है, क्लियर। चलो चलो जी, पच्चीस क्वेश्चन, मतलब आधी चीजें हम यहां पर पूरी कर चुके हैं। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्ब्रेड इन द गिवन फिगर इज इट्स पार्ट, रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन से इसमें यहाँ पर आपका क्लियरली एम्ब्रेड है, रोटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो भाई देखो ये जो मेरा पार्ट है ये वाला, पहले मैं इसको उठाता हूँ, स्ट्रेट लाइन है, एक ट्राइंगल ऐसे है और दो चीज ऐसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और दो लाइन ऐसे जा रही है, सिंपल। पहला ही मेरा यहाँ पर जो क्या आ जाएगा इसका, एम्ब्रेड फिगर का इसमें पार्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, इफ प्लस मींस डिवाइड, माइनस मींस प्लस, इनटू मींस माइनस, एंड डिवाइड मींस इनटू, ठीक है, वही चीज है, करते हैं इसको। क्या बोला है यहां पर, देखो मैं साइड थोड़ा हो जाता हूं, इनटू का मतलब है माइनस, 14 माइनस 6, ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है, माइनस का मतलब है प्लस, ठीक है, 4, ठीक है, डिवाइड का मतलब है प्लस, यहां पर प्लस का मतलब है डिवाइड, 6 का मतलब है यहां पर माइनस में क्या है,
प्लस 4, और डिवाइड का मतलब यहां पर क्या है, इनटू 3। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, बाकी सारी चीज आपकी बिल्कुल ठीक है यहां पर। चलो ठीक है जी, तो इसमें आप देखो यहां पर 8 प्लस 7 15 डिवाइड बाय 10 इंटू 3। आई थिंक यहां पर कुछ मैंने गलती कर दी, मुझे लग रहा है ऐसा। दोबारा से करते हैं क्वेश्चन को। कुछ मुझसे गलती हो गई यहां पर। फोर्टीन माइनस सिक्स, ठीक है, और माइनस की जगह है प्लस। 4 डिवाइड बाय 3, डिवाइड मीन्स इन टू, प्लस, ठीक है, और प्लस की जगह है फिर से डिवाइड, ठीक, और 6 के बाद प्लस 4, और डिवाइड का मतलब फिर से क्या है यहां पर, इन टू 3। ठीक है जी, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आएगा मेरा यहां पर 8 प्लस 4 और 3 12, और डिवाइड बाय जाएगा 2, यह आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 10, और इनटू क्या आ जाएगा 3, तो आ जाएगा मेरा 6 आंसर यहाँ पर। ठीक है जी, 6 यहाँ पर इसका सही आंसर है। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर, है ना, अभी ठीक है आई थिंक। चलो भाई बढ़िया। नेक्स्ट, टेम्पल को लिखा है इन्होंने इस तरह से, चर्च को लिखा है ऐसे, तो मॉस्क को मैं यहां पर कैसे लिखूंगा, यहां से पूछा गया है। ठीक है, एक सिंपल सा यहां पर एक फंडा है कि तीन आपको यहां पर चीजें अलग अलग गिवन है, और लास्ट आपको यहां पर निकालना है। ठीक है, अब इसको करने के काफी सारे यहां पर तरीके जो हो सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो। देखो, अगर मैं पहले इन दोनों में एक रिलेशन निकालू, ठीक है, STCDE JKLM LMNOP, ये रिलेशन अपने आप निकल रहा है। ठीक है, GHIJKL, तो डिफरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक से डिफरेंस स्टार्ट होगा SOT में, एक से डिफरेंस स्टार्ट होगा, और बाकी डिफरेंस आपका जो वो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, B के बाद C, ऐसे ही। तो M के बाद अगर मैं देखूं यहां पर, तो M से पहले क्या आएगा, ठीक है, L, L से आपकी चीजें स्टार्ट हो रही है। और अब मैं आपको उसका एक थोड़ा सा एक हैक बताता हूं, यहां पर E लिखा है, यहां पर Y लिखा है, सिंपल है ना, सब कुछ सेम ही तो है, यहां पर ही लिखा है तो लास्ट में भाई आना चाहिए ना, ये रहा भाई, खत्म, बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। हालांकि आपको इनकी इसकी टेक्निक जो है वो आनी चाहिए करने की, बट पूरा क्वेश्चन आपको जो है वो सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है जी, क्लियर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड इज कोडेड एज OCRTR, ठीक है जी, कोड OCRTR, देखो, फिर यहां पर बोला गया है जज, जज को कैसे कोड किया है, UJAEG, इस तरह से उसको यहां पर कोड किया है। अब देखो, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है RSTU, ठीक है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे, और बीच में क्या आएगा, बी और सी। तो आपसे पूछा यहां पर ऑर्डर का, OR DER, तो दोनों ऑपोजिट,
ये ऐसे, और इसमें क्या जाएगा, ए ऊपर की तरफ, बी और सी, ठीक है। तो आर ओ ए आर ई, आर ओ ए आर ई सेकेंड आपका यहां पर इसमें आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, 115, 130, 122, 133, 129, ये सब यहाँ पे लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, कौन सा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज में इसको यहाँ पर ये रिप्लेस करेगा, ये आपसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है। अब रिप्लेस ये कैसे करेगा, तो देखो भाई, ये बढ़ रहा है फिर ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है ये फिर ये घट रहा है, इसमें आप कर लेते हैं, कभी कभी आपको ऑल्टरनेट सीरीज भी जो है वो चलानी पड़ती है, वो चला लो एक बार यहाँ पर इस तरह से, इसमें इस तरह से। तो इसमें कितना गैप है, सात का, इसमें कितना गैप आ रहा है, सात का, ठीक है, यहाँ भी सात का गैप है, यहाँ भी सात का गैप है। अब इसमें क्या देखो आप, 137 में और इसमें सात का गैप है, तो यहाँ भी सात का गैप आना चाहिए, यह जाएगा मेरा 146, 146 है कहीं पर, सॉरी 44, 774, ठीक है, ये आपका 144, तो सेकंड फर्स्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ द मिरर इज प्लेस MN, ठीक है। मिरर इमेज आपको बनानी है, आपको इस तरफ सर्कल आपका ऐसे ही आएगा, ये आपका ऐसा होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए, ये बन गई आपकी मिरर इमेज, देख लो कहां पर, ये इसमें भी नहीं है, ये आपकी वाटर इमेज है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आपकी है वाटर इमेज, भी ये तब होती जब ये वाला पार्ट, हाँ ये आपकी बनेगी वाटर इमेज, ये आपकी है मिरर इमेज, ये आपसे पूछेगी ये फोर्थ, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई, ठीक है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लोरा इज रिटन एज WQOLC, फ्लोरा FLORA को लिखा यहां पर WQOLC, ये आपको यहां पर लिखा गया है। अब इसमें क्या करना है जरा आप देख लो एक बार, ठीक है, ये ऐसे यहां पर लिखा गया है, ये है आपका। तो अब इसमें क्या क्या करेंगे हम, देखो यहां पर क्या चीजें मैच करने मैच हो रही है हमारी, नहीं हो रही, या क्या से पैटर्न लगेगा, करो मैं आपको उसमें थोड़ा आपको टाइम देता हूँ समझने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे इसको आप, क्वेश्चन नंबर 32, अभी 50 सवाल करने हैं हमें। चलो मैं ही करता हूँ उसको, ठीक है। सबसे पहले हम इनका नंबर लिख लेते हैं, और हम इनके जो जो रिवर्स में जो नंबर आता है इनको हम पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है, जो नंबर है और जो रिवर्स में नंबर है इनको पहले वो लिख लेते हैं, ठीक। दूसरी बात एक और है, अगर आप सभी लोग, अगर अब आपको SSC का, अगर आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका CPO है, इसके बाद आपका आपका CGL आएगा बाद में, आपका CSL भी है, तो इन सभी कोर्सेज के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक आपके लिए सुपर पैक अनाउंस किया है, और होली की वजह से हमने उसका एक उसमें एक ऑफर लगाया है, बहुत एक्साइटिंग ऑफर है, विद इन 1000 रुपीज 999 में आपको वो कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। आपको उसका लिंक जो है मैं नीचे भी अटैच करा दूंगा, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं उसके सारे फीचर्स आपको वहाँ पर पता लग जाएंगे, और वहाँ से आप उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो, ठीक है जी। ठीक, फ्लोरा, ठीक है। अब इनके यहाँ पर हम ऑपोजिट वर्ड्स की बात करते हैं एक बार, एफ के सामने आपका क्या आता है, ठीक है, आपका आता है भाई, पहले इनका नंबर लिख लेते हैं यू, ठीक है, एफ के सामने आपका आता है क्या, आपका आता है यू, एल के ऑपोजिट आपका क्या आता है आप जानते हैं, आपका ओ आता है, ओ के ऑपोजिट आपका एल आता है,
आर पे आपका आई आता है, इस पे आपका जेड आता है, क्लियर? ठीक है, अब आप देखो इसमें और इसमें आपको वो रिलेशन दिख रहा है यहां पर, यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ओ पी क्यू, एल एम एन ओ, ठीक है, आई जे के एल, और जेड के बाद ए बी सी। अभी तक कितना क्लियर है? ठीक है, यही सेम चीज हम मनी के साथ करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों में अगर हमारा ये तुक्का जो है या फिर लॉजिक जो बैठ बैठ गया तो फिर बैठ गया, है ना। एम का ऑपोजिट क्या होता है आपका? एन। ओ का होता है आपका एल। एन का आपका एम है। ई का होता है आपका वी, और उसका होता है आपका बी। और उसको यहां पर रिटर्न कैसे किया है? पी एन पी वाई ई। देखते हैं इसको, एन के बाद ओ एक का डिफरेंस, एल के बाद एम एक का डिफरेंस, एम के बाद एन ओ दो का डिफरेंस, वी के बाद ठीक है डब्ल्यू एक्स दो का डिफरेंस, और यहां भी आपका सी डी दो का डिफरेंस। तो ये आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है। नंबर को आपको रिवर्स करना है, रिवर्स करने के बाद स्टार्टिंग के दो में आपके प्लस टू लगेंगे, लास्ट के तीन में आपके क्या लगेंगे? प्लस थ्री, सॉरी प्लस वन लगेगा, बाद में आपका प्लस टू आपका लग जाएगा। तो गोइंग में अगर अब मैं चलूं, ठीक है, गोइंग में अगर चलता हूं, जे का ऑपोजिट टी, यहां भी ऑपोजिट आपका टी, ओ का आपका एल है, आई का आपका आर है, एम का आपका एन है, ठीक है, टी के बाद आपका एक यू तो वी, एल के बाद एम तो एन, एस के बाद टी यू, एम के बाद एन ओ पी, ठीक है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, तो वी एन यू पी डब्ल्यू, ये फर्स्ट वन आपका यहाँ पर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर इसमें आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट 416, 12 3 45, 1 2 16, 8 3 28, ये आपको यहां पर ये गिवन है, और ये आपको बोला गया कि जो आपको ये दो जो सेट गिवन है, ये दो ही सेट का लॉजिक आपको इसमें भी आपको लगाना है। ये आपका यहां पर क्वेश्चन है, करेंगे कैसे इसको एक बार। 6 दुनी 12, 12 8 96, 5 6 30, 30 8 240। तो यहां पर क्या हो रहा है? इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है, और उसकी मल्टीप्लाई यहां पर इसको 8 बार कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई फिर 8 बार हो रही है। तो ऐसे अगर मैं देखूं, 4 एकम 4, 4 8 32 नहीं है, 12 या 24 नहीं है, 1 दुनी 2, 2 8 16 ये बिल्कुल है, 8 या 24 और 24 28 ये नहीं है, तो 1 2 16 ये आपका यहां पर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। ठीक है, आपसे बोला गया है कि क्या इसमें यहां पर आपका होगा। ठीक है, तो देखो भी इसमें यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 19 6 37 फर्स्ट रो में है, 19 6 37, सेकेंड रो में है 21 8 45, थर्ड रो में है 72 14 और क्वेश्चन मार्क, ये आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है गिवन है। अब कैसे करेंगे इसको जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो जी, ठीक है, 19 और 6 25, 25 और 12 47, ठीक है, कोई बात नहीं, 21 8 29, 29 और 16 45, चलो कोई बात नहीं, 72 डबल ऐड हो रहा है, ठीक है, 72 और 14 86, और 86 प्लस 28 114, ठीक है जी, एक लॉजिक तो मेरे यहां पर ये बैठ गया। ठीक है, एक लॉजिक इसमें और लगाते हैं, हाँ ठीक है, यही बात बैठ रही है, या फिर इसको मैसेज करते हैं, 19 में मैं 12 ऐड कर दूं इसका डबल, 21 से मैं इसका डबल ऐड कर दूं, 72 में इसका डबल ऐड कर दूं, ठीक है, हाँ, तो दोनों लॉजिक आपके बैठ रहे हैं, 114, ठीक है, समझ गए। पहले नंबर में आपको सेकंड नंबर का डबल ऐड करना है, या फिर पहले नंबर में आपको सेकेंड नंबर ऐड करके और जो फिर उसमें ऐड करना है उसको, मतलब कैसे भी कर लो उसको, ठीक है, दोनों कुल मिला के सेकेंड नंबर का आपको यहाँ पर डबल करना है, बाकी कुल मिला के बात आपकी एक ही है, ठीक है, 114, ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। इफ ए डिनोट्स प्लस, अच्छा ठीक है, वही क्वेश्चन है, ए को ऐसे लिखना है उसको ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है,
डी को मैंने क्या लिखा, डिवाइड, बी को लिखा इनटू, सी को लिखा माइनस और ए को लिखा मैंने प्लस। कर दो उसको, 13 या 39 इंटू 2 6 माइनस 6 8, बस 8 आपका आंसर है सेकंड वाला। ठीक है भाई, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, देखते रहना, बीच में बोलते रहना, कोई दिक्कत हो तो मैं समझा दूंगा, अगर जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको पूरा पूरा समझाने की कोशिश करूंगा जो भी आपको दिक्कत लग रही है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही हो तो एक बार देख लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वाला। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखो हम यहाँ पर, ये इसमें आते हैं 50 में से। आपको सही बताऊं, पैटर्न ऑलमोस्ट 35 आपके, 30-35 आपके टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, 25 के आसपास आपके टॉपिक आते हैं, 25-26 टॉपिक आते हैं आपके, और उसमें से आपके 10 टॉपिक या 12 टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो जिनके 2 3 4 क्वेश्चन भी आपके, मतलब 3 4 क्वेश्चन आपके वहां पर आपके रिपीट होते हैं। जैसे आप देखेंगे आप एनोलॉजी का, वर्ड एनोलॉजी अलग है, नंबर एनोलॉजी आपका अलग है ना, और आप सीरीज देखो, सीरीज फिगर की सीरीज अलग आ रही है, वर्ड की सीरीज अलग आ रही है, नंबर की अलग आ रही है, 4 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं। मिरर के आपके हमने 2 क्वेश्चन देखे, क्यूब के हमने आपके 3 क्वेश्चन देखे, और यही आपको पूरा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। इस तरह का आप क्या ही करोगे यार, है ना, वेंडर आपका चाहे चेंज हुआ ना हो उस बात से क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है चलो उसको करते हैं, इनको मैं ऐड करूंगा ये मिल जाएगा, इनको ऐड करूंगा ये मिल जाएगा। ठीक है, 156 में मैंने 12 ऐड किया तो मुझे ये मिल जाएगा, बस खत्म। ठीक है क्लियर। इसमें से मैं आपको भाई लास्ट के 10 क्वेश्चन जो है ना वो, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये जो पीपीटी है मैं आपको 10 क्वेश्चन दिखा दूंगा लास्ट के 10, वो आप लोग करोगे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो भी वीडियोस को उसको देख रहे हैं एंड तक, या फिर हमारे साथ बगैर बने हुए हैं तो उनके साथ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो चीज है। ठीक, चलो, इफ ए डिनोट्स प्लस, बी डिनोट्स इनटू, सी डिनोट्स माइनस एंड डी डिनोट्स डिवाइड, देन व्हाट विल, देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो उसको हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके लिए है, इस वीडियो को देख के आप, या अभी आप कर रहे हो तो अभी करो, अभी हम लाइव में ही इसका आंसर आप करो। ठीक है, 37 का आंसर आप करोगे ऐसे, हमने 3 क्वेश्चन हमें लगातार कर रही है तो उसको हम नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी आप करोगे, 38 भी आप करोगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सीरीज का, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 37 38 आप करोगे और उसका आंसर आप अभी लिखोगे। क्लियर है भाई? थर्टी सेवन थर्टी एट आप करोगे और उसका आंसर आप अभी लिखोगे। ठीक, अब आते हैं हम सीरीज पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 35 है, 40 है, 47 है, 45 है, फिर 53 है आपका। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिल गया तो क्वेश्चन को हम उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम उल्टा स्टार्ट करेंगे ऐसे। कितना डिफरेंस है, 8 का, ठीक है, प्लस का 2, कितना डिफरेंस है, 7 का, बट ऐसे नहीं चलेंगे, इसको हम ऑल्टरनेट लेके चलेंगे। ठीक है, 53 47 45 के बाद 5 का डिफरेंस, ये आपका 5 का डिफरेंस। ऐसे ही 45 और 40 में कितना डिफरेंस है आपका, यहां पर देखो आप। ठीक है ठीक, 47 के साथ, सॉरी 53 से 47, 6 का डिफरेंस, फिर यहां से डिफरेंस कितना, 6 का, यह आपका 41। ठीक है जी, ये आ गया आपका 41। क्लियर है? चलो, 37 38 का आंसर मैं भी वेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसको आप देना मेरे को भी आंसर उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको करो सब लोग। अच्छा, सॉरी सॉरी अशोक जी, गलती होगी मुझसे वहां पर, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई नहीं, चलो जी।
गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब व्हिच ऑफ द गिवन फिगर्स इज आर पॉसिबल। ठीक है, आपको जब इस तरह से आपको जो इसको हम बोलते हैं ओपन डाइस, ठीक है, आपको जब ओपन डाइस के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें आपको क्या करना होता है, आपको किसी ध्यान रखनी होती है आपके इसमें ऑपोजिट नंबर। देखो डाइस में घूम फिर के एक ही सवाल आता है, डाइस में घूम फिर के आपसे चीज पूछेगी कि आपको ऑपोजिट निकालना है किस नंबर का, किस अल्फाबेट का ऑपोजिट आपके सामने क्या होगा। ठीक है, जो नॉर्मल जो आपकी क्लोज डाइस थी वो तो आपको मैंने बता दिया, अभी आपकी ओपन डाइस है, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक बहुत सिंपल सा फंडा है, वो क्या है, आपकी डाइस ऐसे ओपन होती है जब भी आप पहले नंबर से स्टार्ट करो हमेशा, ठीक है, पहला और तीसरा, ठीक है, उसके बाद इसको आप कैसे भी यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ये पहला है तीसरा है ये आपके आमने सामने होंगे, क्लियर। उसके बाद हमेशा समय क्या होगा, दो आपके जो बॉक्सेस हैं हमेशा वो बाहर होंगे, हमेशा वो खुले होंगे, वो आपके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, जेड हो गया आपका, यू हो गया, ठीक है, फिर बचा आपका ई और ओ, ये हो गया आपका। तो इस तरह से आपकी जो डाइस है ये हमेशा होती है, इसको हम वन, ठीक है, थ्री, टू, फाइव, फोर, सिक्स, ऐसे आपकी चलती है। अब ये आपके हमेशा एक साथ आएंगे, ये आपके हमेशा एक साथ आएंगे, तो अब मुझे मेरे को बात देखो, ए जेड ई हमेशा आपको एक साथ मिलेगा इसमें, तो यही आपका एक परफेक्ट क्यूब बनेगा यहाँ पर, बाकी सब में आपको मिक्स चीजें दिखती रहेंगी, है ना, ए जेड ई यहाँ पर होगा और बाकी आपके फेस जो है इनके आमने सामने होंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे होता है? ठीक है जी, ये है आपका ओपन डाइस वाला क्वेश्चन, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको मैं टाइम दे रहा हूं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी यहां पर लोग हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर करें एक बार, इसको आप ट्राई करें, तो आप करो ट्राई, इसको मेरे को बताओ आंसर का क्या है, तो थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलो भाई, ब्लास्ट एल बी पी टी एस एस एल बी पी बी पी टी एल एस सी टी पी, ठीक है, ये है आपका यहाँ पर। तो इसमें मैंने थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा जो मेरे को इसमें का आंसर जो मुझे इसमें एक्सक्लूशन जो समझ में आया वो ये था, बाकी आपको समझ में आए मुझे आपको बताना, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले में उन्होंने क्या किया, ये जो बी एल है इसको रिप्लेस कर दिया, एस टी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सिर्फ पहले वाले पार्ट में क्या करेंगे, ए को यहां पर उन्होंने किसी भी रैंडम नंबर से, ए को यहां पर किसी भी रैंडम नंबर से यहां पर उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया, क्लियर, ठीक। अब क्लियर करने के बाद अब यहां से वो चीज क्लियर हो गई, अब हम यहां से जो हमारी जो क्वेश्चन हमारा वो स्टार्ट होगा यहां वाले पार्ट से। अब क्या करना है आपको, जो लास्ट आपका जो नंबर है, जो लास्ट आपका नंबर है इसको आपको स्टार्टिंग में लेकर आना है और ये आपको ऐसे लिख देने हैं। तो देखो S को मैं यहां पर लेकर आ गया और एल बी पी टी को मैंने LG लिख दिया, क्लियर। अब इस T को मैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो बीच वाला नंबर है इसको रेंडमली रिप्लेस कर दिया और इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे यहां पर आ गया टी पी, ये रिप्लेस कर दिया और यहां पर आ जाएगा मेरा एल एस, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब एस को, ठीक है, एस को मैं यहां पर ले आऊंगा स्टार्ट, ठीक है, अब ये हो गया, ठीक। अब P को मैंने स्टार्ट किया ऐसे, ये मैं रिप्लेस हो गया, P को लाऊंगा पहले नंबर पे, तो P L S C T, ये मेरा यहाँ पर आंसर फोर्थ चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपके पास अगर इसका कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है तो आप मुझे इसको जरूर बताना, ठीक है, ठीक है। अरुण सोम बोल रहे हैं वन इज करेक्ट, अरुण सोम क्वेश्चन नंबर आप मेरे को बताओ कौन से वाले की आप बात कर रहे हो, ठीक है, 41 के पेपर हम बात कर रहे हैं, 41 का डी आंसर है, जो भी आपको ठीक लगे आप बताओ, आंसर्स का देखो डी है बट कैसे है वो आपको बताना है, एक तरीका आपको मैंने बताया, एक आप लोग बताओगे, क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट, माइनस वन अपॉन 729, माइनस वन अपॉन 729 माइनस वन अपॉन 181 माइनस वन अपॉन 9,
ठीक है, यह आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये आपका क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये क्या है, 3 की पावर 4 है, और ये क्या है आपका, 3 की पावर कितना है, ठीक है, 8 है, सॉरी 6 है, ठीक है, पावर 2 पावर 4 पावर 6। तो पावर आपकी सबसे बढ़ रही है, तो अगर यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 6 है, तो यहाँ क्या होनी चाहिए, यहाँ आपकी पावर 3 की पावर 0 होनी चाहिए, और किसी भी पावर की जो किसी नंबर की जो पावर होती है उसके उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, दैट इज -1/1। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आपका यहाँ पर आंसर होगा 42 वाले में, 42 वाले में, ठीक है, 42, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट, MKPN, ठीक है, नेक्स्ट है आपका MKPN, LMOP, JQMT, ISLV, ये आपका यहां पर है। चलो जी, तो इसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ से IJKLM, ठीक है, सब में क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, KLMNOP, तो के बाद ओ आ जाएगा, तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों गलत। फिर यहां पर आ जाओ, ठीक है, आई से स्टार्ट किया था, ठीक है, अब आ जाओ एल पे, ठीक है, एल के बाद एम, एम के बाद क्या जाएगा, एन, तो KON आपका, KONR, ये आपके यहां पर इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो -1/3 कैसे आएगा, -1 आएगा, वो मैंने बताया था आपको उसका रीजन, -1/3 कैसे आएगा भाई, ठीक है, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, इंसेक्ट, लार्वा, ठीक है, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, इंसेक्ट आपका लार्वा, ठीक। चलो नेक्स्ट, 6 फ्रेंड्स हैं जो आपके सर्कल में बैठे हैं, 6 दोस्त हैं जो आपके सर्कल में बैठे हैं, सबका फेस कहाँ है, अंदर है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये है आपका 6। कनक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सोना, कनक को कहीं बिठा दो, ये अगर आपकी कनक बैठती है तो 1, 2, 3, ये आपके यहाँ पर सोना बैठ गई, ठीक है जी, ये कनक, ये आपकी सोना, ठीक। कपिल जो है इमीडिएट नेबर है मनी का, तो एम के या तो ऐसे बैठेंगे या फिर KM ऐसे बैठेंगे, ठीक है, मनी और कपिल, ठीक है जी, ये ऐसे बैठेंगे आपके। गोल्डी जो है वो सेकंड राइट में है मनी के, गोल्डी जो है वो सेकंड राइट में है मनी के, और सोना जो है वो कपिल और सुरेश की इमीडिएट नेबर है, तो इसमें हम कपिल को यहां बिठा लेते हैं और सुरेश को हम यहां बिठा लेते हैं, ठीक है, ये बैठ गया आपका, अभी बिठा लिया मैंने यहां पर, गोल्डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मनी, ठीक है, गोल्डी जो है सेकंड राइट ऑफ मनी के हैं, तो ये आपका गोल्डी है, तो ये आपकी मनी बैठेगी, और मनी के पास आपका कौन बैठ रहा है, कपिल बैठ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये कपिल, ये सोना, वो गोल्डी, सब लोग बैठ गए आपके। अब पूछा है इमीडिएट राइट में कौन है गोल्डी के, ये गोल्डी है, गोल्डी के इमीडिएट राइट बैठेगा ये, तो मतलब दैट इज सुरेश, ठीक है, सुरेश आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्लियर भाई। एल इज द वाइफ ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ एम, जे इज द फादर ऑफ एल, एम इज सिस्टर ऑफ एच, जे इज द हस्बैंड ऑफ एच, हाउ इज पी रिलेटेड टू एल, ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन भाई, ठीक है, जो भी लोग अभी यहाँ भी हैं, बस को भी सब लोग शेयर कर देना, ठीक है, करते रहना, समझ आ गया, ठीक है, बढ़िया। एल जो है वो क्यू की वाइफ है, एल जो है वो क्यू की वाइफ है, पी जो है वो एम की मदर है, कोई दिक्कत नहीं, पी जो है वो आपकी एम की मदर है, जे इज द फादर ऑफ एल, जे इज द फादर ऑफ एल, एम इज द सिस्टर ऑफ एच, एम जो है वो आपकी एच की सिस्टर है, एम,
जे इज द हस्बैंड ऑफ एच। ओहो, तो ये ठीक है जी, ये हो गया हस्बैंड वाइफ। जे इज द हस्बैंड ऑफ एच। हाउ इज पी रिलेटेड टू एल? ये आपका एल है, ये इनके पापा, ये इनकी मम्मी। मम्मी की मम्मी कौन हो गई? पी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एल की मदर, तो दैट इज फर्स्ट। ठीक है, ये इनकी मदर की मदर हो जाएंगी। क्लियर है भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ये किया, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क किया। ठीक है, 37 हुआ, 38 हुआ, 47 भी लिख लो, 47 भी आप करोगे। ठीक है, ठीक है जी। रोहित ड्राइव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर। ठीक है, रोहित जो है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया पॉइंट ए से। ये आपका पॉइंट ए है, यहां से भाई साहब 3 किलोमीटर ऊपर गए, लेफ्ट टर्न लिया 6 किलोमीटर गए, और एक और लेफ्ट टर्न लिया 4 किलोमीटर आए। अब ये इसका पॉइंट था, यहां ये पहुंच गया। अब अभी आपसे पूछ रहा है कि कितना आया है वो, है ना? ये पूछा आपसे वो कितना आया है। अब उसको वापस ए तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, ये आपसे यहाँ पर जो है पूछा गया है। नहीं, एक सेकंड। रोहित ड्राइव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट है, ऊपर गया 3 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लिया 4 किलोमीटर, लेफ्ट, अच्छा ठीक है, लेफ्ट लिया 4 गया, लेफ्ट गया 4 गया, फिर से लेफ्ट लिया, फिर से लेफ्ट लिया 6 किलोमीटर गया, और फिर से लेफ्ट लिया, फिर से 4 गया। ठीक है जी, यहां है वो, ये रहा पॉइंट। अब इसको पूछा वापस जाने के लिए, तो ये यहां पर आपका 6 आया था, तो ये 3 है, 3 तो उसको जाना जाना है भाई, और 3 किलोमीटर उसको ऊपर जाना है। ठीक है, दैट इज थर्ड, यहां से ऊपर जाएगा ना, दैट इज आपका 3 किलोमीटर, आपका वो फोर्थ ऊपर जा रहा है अभी। क्लियर है सबको? ठीक, चलो कल आपका क्वांट्स का सेशन होगा। ठीक है, परसों आपका फिर आपका जीए है, जो विक्रम सर आपको ला रहे हैं, वीडियोस आपने देखी भी होंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चन वो आपको करा रहे हैं, और उसका फिर आपका इंग्लिश का है, मतलब ऐसे आपके पूरा पैटर्न चलने वाला है। इनको आप थोड़ा देखिए, समझिए, सारे क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बट सोल्यूशन आपको आपको जो है वो यहीं पर मिलेंगे, तो इसलिए सोल्यूशन होना भी आपके बहुत जरूरी, चाहे वो आपको, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो सोल्यूशन आप आपके यहाँ, हम आपको यहाँ पर सारे के सारे करा रहे हैं। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेंड को लिखा मैंने आई आई एफ डी एम ई, एफ आर आई ई एन डी को लिखा मैंने आई आई एफ डी एम ई, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते एक बार। एफ आर आई ई एन डी आई आई एफ डी एम ई एफ जी एच आई आर एस टी आई जे के। देखो, इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है, ये ऑल्टरनेट सेम है, ये ऑल्टरनेट सेम है, ये ऑल्टरनेट सेम है, ये ऑल्टरनेट सेम है। ठीक है, ऐसे में लिखूंगा ग्राउंड को, सीधा मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ऑल्टरनेट ओ जी, ऑल्टरनेट डी, ऑल्टरनेट यू, तो ओ जी डी यू, तो एक में ही है मेरा बस। ठीक है, खत्म, ये हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, और आपको टाइम बचाना हो उसमें। ठीक है, आपको सॉल्व करना है तो उसमें आप देख लो, ऑपोजिट ऑपोजिट इसका ऑपोजिट, मतलब ये ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट ऑपोजिट, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट ऑपोजिट, आर का ऑपोजिट आई, एन का ऑपोजिट आपका एम, ओ आई जी डी एम यू, बस हो गया। लॉजिक भी बता दिया मैंने आपको, और जो शॉर्ट है वो भी बता दिया आपको मैंने। ठीक है, थर्ड, बिल्कुल बिल्कुल अरुण सोम जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, कर दो उसको फटाफट से। ये बताना आपको उसमें आपका वेन डायग्राम, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, ये तीनों आपस में वेन डायग्राम में इनको हम कैसे रिलेट करेंगे, पेंसिल का, शार्पनर का, इरेजर का आपस में क्या मतलब होता है, ये आपके सामने है। पेंसिल का काम है लिखने का, इरेजर का काम है उसको मिटाने का, शार्पनर है उसको छीलने का। ठीक है, तीनों का
रिलेशन टेक्निकली तो आपस में है, बट रिलेशन कैसे है कि क्या चीज किसके अंडर आएगी, क्या चीज किसके बाहर है, या क्या चीज किसके अंदर काम करेगी, वो यहां पर श्योर नहीं है। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला भाई, सेकंड वाला ऑप्शन। तीनों कनेक्शन है बट वेन डायग्राम वाला नहीं है, ठीक है, सेकंड। ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गए हमारे पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट आपके। 3 अक्टूबर को जो आपको जो पहली शिफ्ट आपकी हुई थी वो हमने आप करा दिए। टाइम लगा क्योंकि देखो इतना, जब चीज़ आपको समझानी होती है तब टाइम लगता है। अगर मुझे खुद से क्वेश्चन करने होंगे 50 क्वेश्चन, तो हाँ मैं 20-25 मिनट जो भी मेरे को लगेंगे है ना उसको करने में, वो मैं करूंगा। बट जब सही समझानी होती है तो टाइम आपका ऑलमोस्ट डबल से ऊपर बैठ जाता है। तो हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.25 घंटा से ऊपर मन हमें हो चुका है कराते हुए, बट टाइम मैटर नहीं करता। आप इसको बाद में into 2 into 1.5 की स्पीड पर आप इसको देखिएगा, जो भी लोग उसको बाद में देखेंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको चीजें जो है वो आसान भी लगेंगे बाद में, ठीक है। ये हमारा पूरा सेशन था, खत्म हो चुका है। एसएससी कोर्स के रिगार्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ, कोर्स एक्टिवेट हमारा हो चुका है, ठीक है। 999 में आपको कोर्स जो है वो आपको दिख जाएगा, आप उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको जो फीचर्स हैं वो सभी यहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड इमेजेस हमारे चैनल पर आपको दिख जाएंगी, कम्युनिटी हम उसको वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। डायरेक्ट जाकर आप उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें किसी को कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप वहाँ से उस कोर्स को ले सकते हैं। प्लस बैंक के रिगार्डिंग भी न्यूज़ थी, बैंक का अगर आप 2024 बैंक एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं हमसे पढ़ने के लिए, तो आप हमारे साथ बन सकते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था सिनेरियो आज का, ये पूरा पेपर था। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते, मैं मंडे आऊँगा। कल आप, कल विशाल सर आपकी क्लासेस लेंगे, या तो देखते हैं अभी क्या बनता है सिनेरियो भी, ठीक है। चलिए फिर है ना, बट वीडियोस आपकी आनी है, या तो वीडियो आएगी फिर लाइव आएगा, बट ये पैटर्न आपका चलना है पूरा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।